Hey so, ने प्रोजेक्ट ऊपर अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को रन कर लिया था अपन ने टेक्स्ट के बारे में जान भी लिया था आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो सबसे पहले पर अपन आईडीएक्स को ओपन करेंगे और जो पुराना प्रोजेक्ट था लास्ट लेक्चर में जो अपन ने किया था उसी को अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो यहाँ पे योर वर्क प्लेस के अंदर होम के ऊपर इसका होम सेक्शन होता है ना उसी के ऊपर आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है तो योर वर्क प्लेस जिसके अंदर आपके पुराने प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं तो मेरा ये रहा माई फर्स्ट एप तो मैं इसी को ओपन करूंगा एंड विद इन फ्यू सेकंडस ये ओपन हो जाएगा तो जितनी देर ये टाइम लेता है उतनी देर को वेट करना पड़ेगा तो आज के लेक्चर में अपन जानने वाले हैं अबाउट दी आईकन की किस तरीके से अपन आईकन को यूज कर सकते हैं फ्लटर के अंदर एंड उसके अलावा अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन यहाँ पे कॉलम्स क्या होते हैं uh, कुछ चीज होती है अपने पास कॉलम उसको जानेंगे एंड उसके अलावा अपने यहाँ पे जानेंगे रॉ के बारे में भी कि रॉ क्या होता है ठीक है तो कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अपन जानने वाले हैं तो stay तो जितनी देर ये अनारकाइव होने में टाइम ले उतनी देर मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ ठीक है ये थोड़ा सा टाइम लेगा लाइक मेरे को एक्जेक्टली exactly मेरे को पता है की मैं बारह दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ्लटर का गेंद टूटोरिया थोड़ा गैप भी हो गया था तो थोड़ा सा टाइम लेगा अनाराइव होने में जैसे अनाराइव होता है मैं आपके साथ कंटिन्यू

टेक्स्ट शो कर रहा था तो कि मैं कर रहा था यहां पे ये रहा सुना अब इस टेक्स्ट की जगह व्हाट आई डू आई विल रिमूव दिस टेक्स्ट एंड अब मैं आप एक नया विज़िट यूज करूंगा जिसका नाम होता है अपने पास आइकन ठीक so, है न, तो यहां पे आइकन को यूज करने वाला हूं सो आइकन ये रहा आइकन एंड अब इस जो आइकन होता है ना यहां पे आई गेस ये कलर है इस बीच के अंदर एक बार इसको हटाना पड़ेगा हाँ ठीक है ये भी बेसिक थोड़ा बहुत ग्लिच हो जाता है इसके अंदर थोड़ा बहुत तो इस वजह से ऐसी चीजें होती रहती है ठीक है अब तो यहाँ पे मुझे सबसे सब पहले पहले आइकन प्रोवाइड कराना पड़ेगा मुझे इसके अंदर कौन सा आइकन देना है ठीक है यहाँ पे अपने पास एक होती है आईकन क्लास तो उसमें सब कोई सा भी यूज कर सकते हो तो जैसे मैंने फीडबैक का यूज कर लिया आइकन ठीक है एंड अब जैसे अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ से मैं इसको लोड करता हूँ जिससे कि मुझे देखेगा एंड्रॉड कैमिलेटर ये रहा तो एंड्रॉइड में ओपन करते हैं अपन एंड अगर ऐसा नहीं चलता है तो अगेन सीधी बात है एक बार अपने को अपना कोड रन करना पड़ेगा ठीक है एक बार रन करते हैं जिससे अपना सब कुछ वापस सही से

ऑल okay, राइट right, मेरी एप्लीकेशन नीचे इंस्टॉल हो रही है आपको दिख भी रहा होगा नीचे ये बता रहा है कि एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है ओके okay, तो आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और यहां पे मेरा आइकन भी दिख रहा है जो की है ये फेवरेट का आइकन सो अगर मैं चाहता हूँ आइकन को फीडबैक का आइकन तो अगर मैं चाहता हूँ कुछ और आइकन यूज तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ तो पे कई सारे अपने आईकन मिलते हैं फॉर एन एक एक्जाम्पल आपको यहाँ पे आइकन मिलेंगे आइकन्स डॉट एक अपने पास होता है फेवरेट का आइकन ठीक है मैं फेवरेट यूज करूंगा फेवरेट तो फेवरेट बेसिकली अपना होता है ये हार्ट वाला आइकन ठीक है तो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन कर ले रहा है मेरे को तो रिलोड करने जरूर

वो हमारे लिए शो कर सकते हो उसको बड़ा कर सकते हो ठीक है एंड अब अपन देखते हैं कि यार किस तरीके से चलो ठीक है ये तो समझ में आ गया अब इसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं तो बेसिकली अपन यहाँ पे वी कैन यूज एन अब अपन थोड़ी और चीज देखते हैं जैसे ऊपर अगर मेरे को टाइटल बार वगैरह ऐसा कुछ शो करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं अपन एप बार के अंदर तो जो अपना इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ मतलब क्लैप्स कर लेता हूँ पूरा ताकि मेरे को पूरी स्क्रीन की वर्थ मिले तो जो अपना स्केफोल्ड है ना स्केफोल्ड के अंदर अपने पास एक पैरामीटर होता है इसका नाम होता है एप बार तो एप बार के अंदर अपनी एप बार अपन पास कर सकते हैं तो एप बार के लिए अपन एप बार इसको यूज करते हैं एप बार में बेसिकली क्या होता है जो ऊपर अपने को बार शो होती है ना वो होती है तो देख लो एप बार मैंने खाली एप बार लगाए पे एप बार आ चुकी है ठीक है तब इस एप बार में अगर मुझे कुछ शो करना है तो वो मैं देखो कैसे शो करवा सकता हूँ तो सबसे पहले पहले जो मैंने एप बार लगाई इसमें कुछ टाइटल दूंगा तो एप बार में टाइटल देते हैं तो टाइटल में आते हैं टाइटल के अंदर अपन हमेशा टैक्स देते हैं तो मैं यहाँ पे टैक्स लगाऊंगा टेस्ट और टेक्स मुझे कुछ दिखाना है तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा नीट रूट्स ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीट रूट ठीक है नीट रूट्स पर यहाँ पे नीट रूट्स लिखा हुआ आ जाएगा टाइटल के अंदर बट अब यहाँ पे इस टाइटल के अंदर मुझे कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही है जैसे इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो उसमें मैं, मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा तो यहाँ पे डीप पर्पल कलर दे दूंगा कलर डॉट कलर डॉट ना डीप Purple. तो मैंने इसके अंदर कलर दे दिया ठीक है तो अब मेरा जो टाइट जो ये ये है इसके अंदर मेरा यहाँ पे टाइटल आ रहा है ठीक है एंड एंड अब मेरे को ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है इसका कलर तो मैं पे कलर चेंज करूंगा तो यहाँ पे मैं दूंगा इसमें कलर तो so, मैं इसका टेक्स कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहां पे स्टाइल में आऊंगा इसकी यहाँ पे स्टाइल टाइल और यहाँ पे मैं यूज करूंगा टेक्स टाइल को टेक्सटाइल के अंदर आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ कलर मॉडिफाई करना तो कलर के अंदर मैं आके दे दूंगा व्हाइट ठीक है तो कलर डॉट व्हाइट और अब मेरा जो नीट टूट है वो व्हाइट कलर का यहाँ पे आ जाएगा अच्छा एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है अभी तो यहाँ पे है नहीं आईओएस का एम्युलेटर अगर आईओएस का एम्यूलेटर होता तो आप देखते कि जो मैंने बार बनाई है ना ये बीच में आता टाइटल लिखा हुआ तो फ्लटर की एक खास बात भी है कि ये देखता है कि मैं किस प्लेटफॉर्म के रन हो रहा हूँ तो उसके हिसाब से यू को एडजस्ट कर लेता है जैसे आईओस में डिफॉल्ट ऐसा होता है ये जो टाइटल बार में जो ऊपर एप बार होता है इसका जो टेक्स्ट होता है वो बीच में आता है तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है अगर मैं वैब में अगर आपको उसका दिखाऊ तो वैब का तो कुछ ऐसा दिखे तो वैब को तो अपने को नए टैब में ओपन कर लेना चाहिए क्योंकि ये हमेशा एक वेबसाइट होती है ठीक है तो वेब वर्जन आप अलग से एक नए टैब में ओपन करके देख सकते हो उसमें कुछ भी इशू नहीं आएगा आपके लिए ठीक है ओके सो थोड़ा सा आने में टाइम लगा रही है वेबसाइट एक बार लूड होने में टाइम लगा रही है फ्लटर की ठीक है तो थोड़ा सा उसको टाइम लेने देते हैं तो ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर रहे हो यहाँ पे उसके हिसाब से भी रेंडर होती है अगर आपके पास आईफोन आई है अगर आप आईफोन के ऊपर इसको रन कर रहे हो तो हो सकता है कि आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे ये जो तो टेक्स्ट है वो बीच में आ रहा हो अगर मतलब लोकल सिस्टम वगैरह पे रन कर रहे हो तो ठीक है तो अपनी ये देख सकते हो यहाँ पे ये वेबसाइट इसकी साथ के साथ अपने पास आ रही है ना आपने देखा होगा कि कई बार अपने पास एप बार के अंदर कुछ आइकन वगैरह होते हैं तो जो आगे की तरफ आइकन होते हैं ना अपने पास जो मतलब यहाँ आगे की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं लीडिंग आइकन क्या बोलते हैं लीडिंग आइकन तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइटल दिया ना तो एक बार कोड को फॉर्मेट करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट उसके बाद यहाँ पे एप बार के अंदर मुझे ये जो एप बार है इसके अंदर मुझे यहाँ पे देना है तो यार मैं इसकी थीम चेंज करूंगा यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है मैं इसकी डार्क थीम रखना पसंद करूंगा यार हाँ अब ठीक है यार और दिमाग खराब हो गया था मेरा लाइट थीम देख देख कर देख देख कर ठीक है तो आ, आपने देख लिया मैंने कहा आना थीम्स में ना थीम्स में आने के बाद कलर थीम्स में आकर आप इसको चेंज कर सकते हो उसके अलावा भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आप एक्सटेंशन में आओ यहाँ से थीम कोई भी इंस्टॉल करो और आप कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पाओगे चेंज ठीक है ये थोड़ी ज्यादा बढ़िया थीम लगती है मेरे को अब अपन क्या करने वाले है बेसिक जैसे मैंने बताया मैं पे लीडिंग आइकन दूंगा तो यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे आने के बाद इसमें लीडिंग करके अपना पैरामीटर मिलता है जिसके अंदर अपन लीडिंग आइकन दे सकते हैं ठीक है तो आइकन देने के लिए अपन किसको यूज करते हैं सीज़ अपने यहाँ पे आइकन को यूज करेंगे ठीक है तो अपने यहाँ पे आइकन को यूज करेंगे नीचे अपने देख लिया आइकन कैसे यूज करते हैं तो यहाँ पे मुझे आइकन में आके आइकन पास करना है तो आइकन में आके अगर मैं आइकन पास करता हूँ तो हो सकता है आपका जैसे ओके ये नेम्ड पैरामीटर नहीं है फ्ल्टर का तो इस तो तरीके से अपने को आइकन पास करना था यहाँ पे अपन यूज करेंगे आइकन क्लास को आइकन डॉट मेन्यू का आइकन ठीक है तो जनरली अपने मेन्यू का आइकन यहाँ पे दिखाते हैं तो देखो इस तरीके से मेरा यहाँ पे मेन्यू का आइकन आ चुका है अब अगर इसका कलर चेंज करना है तो डेफिनेटली कलर तो चेंज करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे कलर आते हैं इसका कलर अपन कर देते हैं व्हाइट कलर ठीक है तो कलर डॉट व्हाइट ठीक है उसका जो कलर है वो व्हाइट हो गया समटाइम आपने पीछे की तरफ आइकन देखे होंगे ठीक है जो पीछे की तरफ अपने पास आइकन आते हैं वो होते हैं अपने पास एक्शन क्या होते हैं एक्शन तो उसको लगाने के लिए अपने पास पे होता है

और क्विक फिक्स के बाद अपन यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे ये इग्नोर प्रेफर कॉन्सिटल टू क्रिएट होल प्रोजेक्ट अपन नहीं चाहते अपने पे बार बार ये पे कुछ भी हिंट दे ठीक है तो ये ऑन प्रेस से पहले अपने राउंड ब्रेसेस भी लगाने हैं ठीक है थीके? तो ये सिंटेक्स होता है मैं बताऊंगा ऑन प्रेस क्या होता है जब अपन देखेंगे तब तो, अब इसको अपन रिस्टार्ट करते हैं मतलब हो गया ऑटोमेटिकली हो गया देखो यहाँ पे ये रहा मेरे पास यहाँ पे आइकन आ चुका अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा और लगा देता हूँ जैसे ये तो भी सीधे लिस्ट है तो यहाँ पे और भी अपन लगा सकते हैं कॉमा लगा के तो यहाँ पे एक और आइकन बटन में यूज कर लेता हूँ आइकन बटन शॉपिंग कार्ड सही है ये इसने शॉपिंग कार्ड मेरे को सही से सजेस्ट

तो यहाँ पे ये जो पूरा कोड था ये हटाना पड़ेगा मेरे को तो मैंने ब्रैकेट्स का कुछ लोचा कर दिया है कि एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा हटा दिया तो मैं लगा देता हूँ ठीक है कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ ऊपर वाली यूआई तो मैं चेंज नहीं करूँ ऊपर वाले ऐसे रहने देता हूँ अब मेरे को लगाना है मेरे को जैसे मान लो कोई तीन चीजें हैं जो मेरे को अब सपोज करो मेरे को कोई तीन चीजें मुझे एक के नीचे एक दिखानी है मतलब ऊपर की तरफ कोई फर्स्ट एलिमेंट नीचे की तरफ कोई फर्स्ट एलिमेंट और उसके नीचे थर्ड एलिमेंट अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप चाहते हैं कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, वो एक कॉलम के अंदर आए एक एक-एक से एक के नीचे दूसरा है। इसको मतलब वर्टिकल ऑर्डर में है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे कॉलम को ठीक है तो यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद आई यूज़ चाइल्ड मुझे होम को पहले क्लोज करना है सो so, एफ बार मेरी ये क्लोज हुई स्कैफ फोल्ड मेरा यहाँ पे है सही है इसको नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरा आएगा चाइल्ड ठीक है सॉरी बॉडी पहले बॉडी आएगी ना बॉडी के अंदर आएगा अपने पास तो बॉडी के अंदर अपन क्या करने वाले यहाँ पे कॉलम को यूज करेंगे मैं और मैंने कॉलम लगाया और कॉलम के अंदर बेसिकली अपन पास करते हैं अपने को जो भी यहाँ पे दिखाना होता है वो ठीक है तो कॉलम के अंदर अपने पास चिल्ड्रन होते हैं चिल्ड्रन के अंदर अपन चीजें चिल्ड्रन तो मैंने बताई दिया उसके मतलब सब पार्ट तो चिल्ड्रन के अंदर अपन यहाँ पे पास कर सकते हैं कितने भी अपने आपको आइटम दिखाते हैं तीन तो मैं यहाँ पे कंटेनर लगा लेता हूँ तीन वन टू उसके अलावा इन कंटेनर्स को लगाने के साथ साथ इनमें कुछ प्रॉपर्टीज भी मैं पास कर देता हूँ जैसे यहाँ पे मैं इसके अंदर कलर पास कर देता हूँ सबके अंदर कलर यहाँ पे कलर डॉट डीप पर्पल और यहाँ पे इसमें हाइट एंड विड भी पास कर देते हैं तो सपोज करते हैं इसमें हाइट अपन रखते हैं थर्टी और विद रखते हैं ट्वेंटी ठीक है सो ये पर ये अपने तीन यहाँ पे लगाने वाले हैं तो यहाँ पे इसके बाद कॉमा जरूर लगाना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तो मैंने तीन कंटेनर पास करते है तो देख सकते हो यहाँ पे तीन कंटेनर आए हैं इनका सबका कलर अपन थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो इसके अंदर अपन इसमें से पास कर देते हैं इसका कलर फोर हंड्रेड इसका टू हंड्रेड जिससे कलर थोड़ा लाइट हो जाए तो पे थर्ड नहीं आया उसका रीजन ये है कि अपनी हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई तो अपने काम करते हैं दो सौ ही रख लेते हैं हाइट भी तो आप देखोगे अपने पास यहाँ पे तीन कंटेनर बेसिकली आए हैं कि अभी भी हाइट ज्यादा है तो कि 150 कर लो यार मतलब ये बताऊंगा ये क्यों क्रॉस हो रहा है ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा ये भी कुछ होता है अपने पास 150 और ये दिखाने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो मैंने पास कर रखा है ये रिमूव कर तो देता ठीक है तो आप देखोगे यहाँ पे ये तीनों बॉक्सेस एक के नीचे एक आए हैं तो ये किसकी वजह से आए ये आए कॉलम की वजह से कॉलम क्या करता है तीन एलिमेंट्स को एक के नीचे एक ला देता है ठीक है तो कॉलम बेसिकली ये काम करता है और अभी जो अपन देख रहे थे हाइट वाला इशू इशू जैसे मान लो इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि ये स्क्रीन के बाहर जाएगा तो ये क्या करेगा जहां तक आ रहा है वहां तक तो आएगा उसके बाद ऐसे फ्लटर इस तरीके से कटा हुआ ये दिखा देता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो चीज है आपकी स्क्रीन पर नहीं आ पा रही है आपकी स्क्रीन जरा से ज्यादा बड़ी हो गई है ठीक है तो आपको मेक श्योर करना कि आपके एलिमेंट्स की हाइट इतनी ही हो कि स्क्रीन में आ जाए स्क्रीन के बाहर आते है फ्लटर इसको इस तरीके से क्रॉस दिखाएगा ठीक है मतलब कटा हुआ दिखाएगा ठीक हो गया अब यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं अपन ठीक है वो क्या है अपने पास जैसे मेरा जो ये कर, ये जो है ये अभी देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है कॉलम में जो आइटम्स है वो ऊपर से शुरू हो रहे हैं बट आई जस्ट वॉन्ट की मिड में आए मतलब ऊपर भी जो, नीचे बाकी स्पेस बच रही है ना इसको आधी नीचे रख ले आधी ऊपर रख ले अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको कॉलम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वो पास करनी पड़ेंगी तो वो है अपने पास यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट तो यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट में अगर अपन सेंटर पास करते हैं तो ये हो जाएंगे सेंटर के अंदर ठीक है उसी तरीके से अगर अपन एंड पास करते हैं एंड तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे ठीक है वैसे ही आप यहाँ पे अलग अलग सारों को एक्सप्लोर करके देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे आपको एंड और सेंटर और एंड बता दिया स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट अपना होता ही है ठीक है स्पेस अराउंड देखो क्या होता है स्पेस अराउंड के अंदर क्या होता है कि ये लोग जो स्पेस थी ना उसको चारों तरफ बांट लेते हैं तो उसको करते क्या है बेसिकली ये सब में इक्वल इक्वल बांट लेते तो नीचे जितनी स्पेस बची हुई इतना उसको सबने बांट लिया तो ऊपर स्पेस बची उसके बाद इसने नीचे स्पेस ली फिर इसकी नीचे वाले ने उतनी स्पेस ली तो यहाँ पे दो की स्पेस मर जो कह रही है ना इतनी, इतनी स्पेस इन दोनों ने ली तो उसके इस बाद इसने आधी स्पेस नीचे ली आधी स्पेस इसने ली तो कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया ठीक है उसके अलावा अपने पास यहाँ पे आता है एक स्पेस इवनली तो स्पेस इवनली क्या करता है इनके अंदर स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है इसका मतलब ये सब बोलता है कि इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस थी ना उसको अलग अलग नहीं देकर दोनों को बराबर डिस्टेंस देता है जैसे अब इसमें क्या होगा कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों बराबर हो चारों बराबर होगी इनमें वो सिस्टम नहीं होगा कि एक को बराबर मतलब जिस पहले वाले में होता था ना इसको ऊपर भी स्पेस मिल जाती है नीचे भी स्पेस मिल जाती है वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे ठीक है उसके अलावा अपने पास एक होता है जो लास्ट वाला होता है वो होता है आपका स्पेस अराउंड ये क्या करता है कि मतलब जो टॉप और बॉटम होते हैं उनको पूरा ऊपर चिपका देता है तो यहाँ पे थिंक स्पेस अराउंड अपन ने देख लिया है स्पेस इवनली स्पेस अराउंड देख लिया स्पेस 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 इवनली आई थिंक बिटवीन बचा है तो स्पेस बिटवीन क्या करता है कि जो टॉप और बॉटम होते हैं इसको बिल्कुल पूरा चिपका देता है और जितनी भी स्पेस है वो इनके बीच में रखता है ठीक है जो फर्स्ट और लास्ट वाला होता है उसको बिल्कुल चिपका देता है कुछ इस तरीके से अपना ये जो का है ये काम करता है ठीक है उसके अलावा सेकंड जो अपने पास होता है वो होता है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट क्रॉस एक्सेस ये मेन एक्सेस तो कुछ इस तरीके से काम करता था क्रॉस एक्सेस इस तरीके से काम करता है सो so, अगर मैं क्रॉस एक्सेस में आऊं तो यहाँ पे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में अगर मैं सेंटर कर दू तो ये क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में सेंटर हो जाएंगे दिख so, नहीं रहा है तो मैं काम करता हूँ नीचे वालों की विट को कुछ देर के लिए चेंज कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे की कुछ स्कीम है वन करता हूँ इस वाले की विट हाँ तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट क्या करता है इनको हॉर्जों बताता है कि कहा पे आना तो मैंने कह दिया सेंटर में आना तो ये हार्जोटली सेंटर हो गए अब ये क्या है कि जो अपना कॉलम है ना उसकी साइज ही इतनी है तो इसलिए ये इसके बाहर फुल स्क्रीन में सेंटर नहीं कर रहा है आई होप अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐप डेवलपमेंट के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हो जेट पे कम्पोजे और टेक्नोलॉजी आप समझ पा रहे हो इस चीज को ठीक है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनको क्रॉस एक्सेसली सेंटर कर करता है अपने पास यहाँ पे और भी होते हैं जैसे अपने पास होता है स्टार्ट तो स्टार्ट तो अपना बाई था एंड में क्या होता है कि सारे सारे एंड में चले जाते हैं तो एंड से शुरू होंगे सारे के सारे अब ठीक है मतलब काम एक्जेक्टली उसी की तरह करता है बट यहाँ पे हॉर्जोंटली वर्क करेगा ठीक है मतलब जिस तरीके से अपना मेन एक्सेस अलाइनमेंट तरह उसी तरीके से होता है ठीक है उसके अलावा स्टार्ट तो बताइए क्या होता है बेस लाइन देखो क्या होता है बेस लाइन में क्या करते हैं कि बेस लाइन अभी यहाँ पे वर्क नहीं करा क्योंकि अपने बेस लाइन सेट नहीं करी है ठीक है और स्ट्रेच के अंदर क्या होता है इनको पूरा स्ट्रेच कर देता है फुल स्क्रीन के अंदर यहाँ पे स्ट्रेच ने इसको फुल स्क्रीन के अंदर स्ट्रेच आउट कर दिया है तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि, कि किस तरीके से अपन इनको इस तरीके से यूज करते हैं अब देखो यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूं यहाँ पे एक चीज जो आप देख रहे हो वो ये है कि अगर आप कुछ ऐसा चाहते हो कि ठीक है जितना इनको स्पेस मिल रहा उतना ठीक है बट जो लास्ट वाला है मैं इनको एक बार फुल साइज कर देता हूँ सबको बराबर बराबर साइज दे देता हूँ 200 200 तक मैं आपको समझा पाऊँ साइज से मतलब ये जो है जो लास्ट वाला है ये फुल स्क्रीन ये बाकी नीचे जितनी स्पेस बची है ना वो सारा ले ले तो अगर कुछ उस तरीके का चाहते हो तो आप इसको एक एक्सपेंडेबल में एक्सपेंडेड जो अपने पास विजिट होता है उसमें रैप कर सकते हो तो उसमें क्या होता है ये बाकी हुई हुई बची जितनी भी स्पेस है नीचे वो पूरी ले लेते ले हैं इसको अपने काम करते हैं इस कंटेनर को रैप करते हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ओके सॉरी इस पर होवर करना है होवर करने के बाद आपको इस बल्ब आइकन पे क्लिक करना है देन बाद आपको यहाँ पे रैप विद विजिट लिख देना है और इस विजिट का अपन खुद से नाम लिखेंगे तो तो इस विजिट का नाम है अपने पास एक्सपेंडेड 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 के अंदर ये चला जाएगा तो ये नीचे वाले को बचा हुआ जितना है उतना स्पेस एक्सपेंडेड करवा देगा तो इसने क्या किया नीचे वाले को अब जितनी स्पेस नीचे बच गई ना वो तो सारी की सारी इसको इसने प्रोवाइड करा दी है सो दिस इज हाउ एक्सपेंडेड एक्चुअली वर्क ठीक है और अगर अपन सबको ही अगर एक्सपेंडेड में रैप कर देंगे तो तब देखो क्या होगा तो सबको एक काम करते हैं एक्सपेंडेड में रैप कर देते हैं जैसे ही मैंने इसको रैप विद एक्सपेंडेड कर दिया तो इन्होंने जितनी पूरी स्क्रीन थी ना उसको इक्वली थ्री में डिवाइड कर लिया है अब उसके अलावा इनमें मैंने विड्स दे रखी है अगर विड्स वगैरह नहीं पास करता हूँ ठीक है तो उस केस में फिर ये जितनी मतलब पूरी स्क्रीन साइज को कवर अप कर लेंगे अगर जिस मान लो मैंने इसमें हाइट एंड नहीं पास करी तो कुछ इस तरीके से फिर ये पूरी स्क्रीन साइज भी ले लेंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हो अगर आप वर्क कर रहे हो फ्लटर के अंदर अब मैं एक बार कोड को फॉर्मेट करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अब आप एक और चीज देखते हैं आप चाहते हो कि एक्सपेंडेड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर आपका जो कंटेनर है उसको ज्यादा स्पेस मिले उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो एक्सपेंडेड के अंदर अपने पास नहीं पे एक एट्रीब्यूट होता है फ्लिक्स फ्लैक्स के अंदर आप जितना वैल्यू पास करोगे उतना ये ले लेगा तो इस मालूम ने इसको टू पास कर दिया तो ये टू के रेशियो में हो, हो गया है ठीक है तो इसका रेशियो टू होगा इन सबके इक्वल में अगर मैंने थ्री पास कर दिया तो ये इन सबके कंपेरिजन में थ्री साइज लेगा थ्री रेशियो के अंदर ठीक है तो इसके लिए फिर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से रेशियो का कॉन्सेप्ट काम करता है तो अगर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको छह से ग्रैप कर पाए होंगे किस तरीके से ये अपना काम करता है और मैंने आपको नीचे स्क्रीन जो कटती है उसके बारे में आई होप मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से अपन वो यूज कर सकते हैं मतलब अगर जैसे दे दी सपोज uh, जैसे मान लो किस और सब मैं पास करता हूं, कुछ ना कुछ कंटेनर्स के अंदर तो इनका हाइट देता हूँ हाइट जिसमें इसमें दे दिया मैंने फोर और सभी के अंदर मैं हाइट पास करूंगा इस टाइम पे तो हाइट फोर हाइट फोर ठीक है एंड अभी एक्सपेंडेड की जरूरत नहीं है तो एक्सपेंडेड को अपन हटा देते हैं तो इसलिए अपने काम करते हैं यहाँ पे जाते हैं और एक्सैक्ट विजिट नहीं मैनुअली हटाना पड़ेगा तो मैं मैनुअली जल्दी से हटा लेता हूँ इसको तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से इनको हटा लेता हूँ शायद ये सब पूरा इतना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताना आपको ओके ओके सो मैंने सबको 400 400 की साइज दी तो यहाँ पे हुआ क्या जैसे उसने फोर हंड्रेड की साइज ली उसके बाद साइज बची ही नहीं तो ले नहीं पाए तो नीचे वाले कट गए तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं तो उस केस के अंदर फिर अपने को क्या करना है फिर अपन कॉलम नहीं यूज करके यहाँ पे अपने पास एक दूसरा विजिट होता है जिसका नाम होता है लिस्ट व्यू वो यूज करेंगे सो so, लिस्ट भी एक ऐसा विजिट होता है जिसके अंदर लिस्ट वो काम में लेता है तो अब नीचे स्क्रॉल हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से पे स्क्रॉल होने लग जाएगा रादर कि ये जितनी स्क्रीन है उसी के अंदर रहे तो लिस्ट व्यू में क्या कॉलम के अंदर तो क्या होता है कि ये पूरी स्क्रीन को डिवाइड करता है लिस्ट व्यू में क्या होता है कि फिर ये नीचे स्कॉलिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है तो जब भी आपका कुछ ऐसा चीज होता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपको लग रहा है कि मेरा जो कंटेंट है वो स्क्रीन के बाहर जाएगा तो उस केस में फिर आपको क्या करना है कि उस केस में आप यूज करोगे यहाँ पे लिस्ट व्यू ठीक है अब आप चाहते हो कि आपकी जो लिस्ट है वो आपकी अभी देखो जो अपनी लिस्ट है वो वर्टिकली चल रही है अगर आप चाहते हो होरिजोंटली चले तो आप अपने पास यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इसका नाम होता है अपने पास यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन ठीक है तो अपने यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन के अंदर अगर आपने यहाँ पे आके आप एक्सेस हॉरिजॉन्टल दे दोगे तो आपका हॉरिजॉन्टली हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना ओके इनमें विर्थ तो दी नहीं है तो विर्थ की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि विर्थ भी तो होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ तो 300 में सब में विर्थ पास करता हूँ तो विर्थ होगा तभी ये दिखेगा ना थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड ठीक है तो अब इसमें सब मैंने विट दे दी तो विट के बाद अब सारे सारे भी दिख रहे हैं तो आप इनको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो ठीक है उसके अलावा जैसे आप अभी, अभी अपन ने कॉलम देखा था कि अगर आपको स्क्रीन साइज है तो आप कॉलम यूज करते हो उसी तरीके से अपने पास यहाँ पे एक रॉ भी होता है ठीक है तो रॉ बेसिकली क्या होता है रो आपका कॉलम के तरह होता है लेकिन जब कॉलम में अपन थे तो अपन क्या कर रहे थे यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे थे ठीक है तो कॉलम में ये चीजें वर्टिकली होती है तो यहाँ पे कट रहा था आपको पता है स्क्रीन साइज की वजह से हो रहा तो आई होप आप समझ पाए इसको तो कैसे फिक्स करना आपको पता है मतलब इसकी साइज कम होगी स्क्रॉल हो जाएगा इसमें तो इतना कुछ बताने से है नहीं ठीक है अब नेक्स्ट चीज अपन कुछ लिस्ट के बारे में कुछ एडिशनल चीजें देखने वाले अगर आपको जैसे लिस्ट में इसमें तो मैंने क्या किया खुद से चिल्ड्रन वगैरह प्रोवाइड करे थे जब मैंने अभी इसको लिस्ट भी यूज किया था यहाँ पे तो मैंने खुद से इसके अंदर इसके वगैरह पास करे थे जनरली अपने पास क्या होता है एक लिस्ट होती है उस लिस्ट के ऊपर अपने को आइट्रेट करना होता है कि जितने उस लिस्ट के अंदर आइटम्स है उतने अपने पास यहाँ पे क्या हो जाए लिस्ट के अंदर चीजें आ जाए तो वो देखो कैसे करते हैं सो मैं लिस्ट को पूरे के पूरे यहाँ से हटाऊंगा ठीक है और वापस से यहाँ पे बनाऊंगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा लिस्ट भी यूज करूंगा और लिस्ट भी का एक कंस्ट्रक्टर होता है बिल्डर उसको मैं यूज करूंगा तो बिल्डर के अंदर सबसे पहले मुझे बिल्डर काउंट देना है तो मैं बिल्डर काउंट दूंगा यहाँ पे ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी के बाद अपने को आइटम बिल्डर सॉरी ये बिल्डर मैंने आइटम बिल्डर ने यहाँ पे मैंने आइटम काउंट पास करना आइटम काउंट और यहाँ पे मैंने लेना बिल्डर को आइटम बिल्डर तो आइटम बिल्डर तो आइटम बिल्डर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ जिस तरीके से इसको एक एरो फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे लूंगा मैं कॉन्टेक्ट ठीक है और यहाँ पे मेरा आ जाएगा इंडेक्स जो की अब क्या करेगा मेरी इस लिस्ट को इंडेक्स कर रहा होगा तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन में बनाता हूँ एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिस्ट टाइटल करके एक फंक्शन होता है वो यूज करूंगा तो लिस्ट टाइटल और लिस्ट टाइटल के अंदर मैं टाइटल के अंदर पास कर दूंगा टेक्स्ट अभी समझाता हूँ पूरा पूरा कोड क्या है आपको टेंशन नहीं लेनी है इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग तो अभी यहाँ पे देखो एक लिस्ट आई है तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली क्या 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 एक लिस्ट, लिस्ट व्यू में एक पहले एक बार कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ तो बेसिकली अपने पास क्या होता है कुछ एडिशनल चीजें होती हैं फ्लटर के अंदर कुछ एडिशनल अपने यहाँ पे फंक्शंस मिलते हैं जिनके हेल्प से अपन इजिली यूआई को बिल्ड कर सकते हैं तो अपने पास लिस्ट व्यू के अंदर एक लिस्ट बिल्डर नाम का कंस्ट्रक्टर होता है उसमें अपन आइटम काउंट पास करते हैं कि कितना काउंट ठीक है कितना मेरे कितनी बार मेरे को लिस्ट को घुमाना है उसके बाद उसमें एक आइटम बिल्डर करके अपने को एक और पैरामीटर मिलता है जिसके अंदर अपने को एक एरो फंक्शन देना पड़ता है जिसमें कॉन्टेक्ट और इंडेक्स पास करता है इंडेक्स तो बेसिकली क्या होता है कि कौन से इंडेक्स के ऊपर है लिस्ट का लिस्ट के ठीक है बस यही बताता है तो लिस्ट टाइटल एक पैरामीटर होता है जिससे अपन ये लिस्ट का टाइटल टाइप का अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये यूआई एलिमेंट

के बाद मैं क्रिएट करता हूं तो लेट मी जस्ट सी इफ इट्स प्रोवाइड मी एन हिंट ओवर इट जॉन ओके जॉन डीओ जॉन और यहाँ पे माइक ले लेते हैं तो मैंने एक नाम दिया यहाँ पे माइक तो ये मेरे पास नेम्स की एक लिस्ट हो गई ठीक है अब यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट को रिमूव करना पड़ेगा ठीक है अभी कॉन्ट क्या होता है बताएंगे आगे क्या होता है कॉन्स ठीक है तो मेरे पास ये नेम्स की लिस्ट है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे इस नेम्स की लिस्ट को ऊपर करना तो मैं इस लिस्ट को पास कर दूंगा यहाँ पे ठीक है नेम्स की मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया लिस्ट ठीक है यहाँ पे इसके लगा दूंगा डॉट लेंथ की इस नेम्स की जितनी लेंथ है ना उतनी बार आप इसको आइट्रेट करो तो यहाँ पे मेरे को अब जो इसमें ना इंडेक्स नहीं चाहिए इसकी मुझे इसके इंडेक्स नीचे मुझे क्या चाहिए नेम्स में से जो नेम्स मेरा जो ऊपर लिस्ट है उसकी मुझे करंट इंडेक्स चाहिए ठीक है जिसमें करंट इंडेक्स पे मैं हूँ वो चाहिए मुझे तब तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ मैं इसको नेम्स की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करा सकता हूँ तो जॉन टीओ जॉन माइक ठीक है इस तरीके से मैं यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट कर सका हूं अब जिस तरीके से अपने पास लिस्ट भी होता है उसी तरीके से अपने पास पे होता है ग्रिड व्यू जो उससे अपन ग्रिड बनाते हैं ठीक है तो ग्रिड व्यू देखो कैसे बनाता तो लिस्ट व्यू की जगह अपन यूज करेंगे पे ग्रिड व्यू तो ग्रिड व्यू ग्रिड व्यू में डॉट बिल्डर अपन यूज करेंगे ठीक है ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर इसके अंदर भी अपन कुछ इस तरीके से अपनी सारी चीजें पास करते हैं उनको अपन रिमूव करते हैं और इसके अंदर एक एक जो अपन पैरामीटर वो पास करते हैं सबसे पहले पहले अपने यहाँ पे आइटम काउंट देना है तो मैं आइटम काउंट पास करता हूँ जो सपोज करता हूं फोर आइटम काउंट पास करती है उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रिड डेलीगेशन पास करना तो ग्रिड

तो so, यहाँ पे देखो ये कार्ड्स आ चुके हैं फोर टाइम्स ठीक है तो so, कार्ड की जगह आप कंटेनर भी यूज कर सकते हो कोई इशू नहीं है अगर मैं यहाँ पे हटाऊं और यहाँ पे मैं सीधे सीधे कंटेनर यूज कर लो कर आपको कार्ड नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने तो कंटेनर को यूज कर लेते हैं तो मैंने फोर पास किया है और ग्रिड डेलीगेशन मैंने पास किया है कि क्रॉस एक्सेस के अंदर मेरे पास सिर्फ सिर्फ एक बार में थ्री ही आइटम्स आ सकते हैं तो इसलिए मेरे को यहाँ पे थ्री दिखेंगे तो ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर कलर पास करना पड़ेगा तो कलर में आके मैं इसमें कलर पास कर देता हूँ कलर डॉट ब्लैक और यहाँ पे इनके एजेस आपस में फिक्स हो चुके हैं तो स्लिप नहीं को इसमें मार्जिन लगाना पड़ेगा नहीं तो दिखेगा नहीं तो मार्जिन लगाते हैं तो एज ऑल डॉट ऑल तरफ से और जो मैंने वैल्यू डालनी है जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखा तो मैंने इसमें फाइव की मार्जिन देनी है और एक कॉमा ज्यादा लग गया वो रिमूव कर अंदर 5 की मार्जिन आ जाएगी तो देख सकते हैं पे चार मेरे बॉक्सेस आ चुके हैं सो so, अब अगर जैसे मान लो इसका आइटम काउंट अगर मैं इंक्रीज कर दू यहाँ पे आने के बाद जो मैंने आइटम काउंट दिया उसको फोर्टीन कर, कर दू तो फोर्टीन मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है स्क्रीन के अंदर और ये भी अपने पास स्क्रॉलेबल होता है आई होप आपको ये भी समझ में आगे कि किस तरीके से अपन किसको यहाँ पे दिखाता हैं ठीक है सो so, अब अगर जिस मालूम अगर इसको मैं चेंज करता हूँ जिस मालूम में एक मेरे को एक बार में मेरे को चार दिखाना पे अब चार आ जाएंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से सा आप साथ खेल सकते हो इजिली आपको जैसी यू आई बनानी आप ऐसी यू आई इस बना सकते हो तो इसके अंदर आपको जितनी भी चीजें सारी एज एन आपको यहाँ पे दिखने वाली ठीक है नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं स्टैक के बारे में क्या पे स्टैक क्या होता है तो यहाँ पे मैं इसकी बॉडी को पूरा क्लियर कर दूंगा तो ग्रिड वगैरह ये सब मैं हटा रहा हूँ और अब अपने यहाँ पे स्टैक को देखने वाला है तो स्टैक में क्या होता है की एक के अंदर दूसरा एलिमेंट आ जाता है अब ये क्या होता है देखते हैं अपन तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टैक को लगाता हूँ और स्टैक

सेकंड वाला बनाया तो आप देखोगे आपको सेकंड वाला दिखा नहीं लेकिन अब मैं पे कुछ करूंगा उसके बाद आपको सेकंड वाला दिखने लग जाएगा मैं इसकी साइज को करता हूँ कम, कम साइज को मैं 200 कर देता हूँ मतलब टेक्निकली ये नीचे वाला कंटेनर बड़े ऊपर वाले कंटेनर से छोटा है अगर इसका कलर मैं डीप ऑरेंज कर दूं, तो आप देखोगे मेरे को दिखेगा तो ये इसके अंदर बना बनाया तो जब भी आपको कुछ ऐसा करना हो कि एक दूसरे के अंदर बने तो आप कुछ इस तरीके से पे क्रिएट करोगे तो मैंने एक और कंटेनर बनाया है वो जो कि डीप पर्पल एक्सेंट टाइप का है और 150 150 वन इसके हाइट है तो ये इसके भी अंदर बना है तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है फ्लटर के अंदर कि एक दूसरे के अंदर बने तो आप कुछ इस तरीके से

सो दिस वॉज फॉर दी टूडेज ट्यूटोरियल गाइड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो मुझे कॉमेंट्स करके बताओ क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे वो बताओ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकू और एक और चीज जो स्पेशली मैंने आपके लिए करी है वो मैंने करी है आपके लिए यहाँ पे डाउट सोल्व करवाने के लिए प्रबंध किया मैंने प्रॉपर प्रबंध किया तो so, मैंने टेलीग्राम पे मास्टर माइंड कम्युनिटी बनाई है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसको ज्वाइन कर लो उसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे फॉर्म मिल रहा होगा ठीक है उसके अलावा आपको यहाँ पे कॉमेंट करना अपना नाम और अपना जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हो ठीक है ताकि मैं आपकी यहाँ पे अटेंडेंस को मार्क कर सकूं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑब्वियसली मतलब विद इन वन टू डेज के अंदर आज मैंने रिकॉर्ड किया तो ये विद इन नेक्स्ट वन टू डेज के अंदर ये वीडियो चला जाएगा चैनल के ऊपर उसके बाद आप देखोगे की जिन जिन लोगों ने कॉमेंट किया हुआ होगा अपना नेम और आप कहा से हो ये दो चीज आपको कॉमेंट करनी है ठीक है तो जिन जिन लोगों ने कॉमेंट किया होगा उनके अटेंडेंस हम मार्क करेंगे शीट के अंदर और मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रूंगा कि किसने कौन सा ट्यूटोरियल देखा कब देखा है तो जिससे आपके यहाँ पे अटेंडेंस में मार्क हो जाया करेंगे उससे आपको भी सीरियसनेस आएगी कि यार यहाँ पे मतलब एक बंदा वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है आपको पता है कि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा आप तो आओ आप पे आओगे वीडियो देखोगे फिर कॉमेंट करोगे जिससे पे अटेंडेंस मार्क होगी तो उससे जैसे थोड़ा टू वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे बिल्ड होने वाला है ये चीज ये दो चीजें आपको मेक श्योर करके चलनी है कि आप उस मास्टर कम्युनिटी को ज्वाइन करो टेलीग्राम पे जिससे आपके जो क्वेश्चन है उनका मैं आंसर कर सेकंड चीज आप अपना नाम और कहां से ये चीज कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले पहले मैं अटेंडेंस दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर से मैं ये करने वालों की आपको अटेंडेंस दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने ये लेक्चर अटेंड किया है जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए ऑब्वियस चीज है थोड़ा ये थोड़ा डिले हो जाएगा तो अगर भाई मेरा मेरा भाई बंधु बाद में देख रहा है बट जो अभी जो मेरे को देख रहे हैं अभी जो सीख रहे हैं उनको ये चीज मस्ट करनी है ताकि आपके यहाँ पे चीज़, जो कंसिस्टेंसी वो मेरे साथ लगी रहे है, ठीक है क्योंकि तो इधर से मैं पढ़ा रहा हूँ इधर से आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर रहे हो तो आप अभी जो सीख रहे हो एटलीस्ट वो आप हंड्रेड सीख सको जो बाद में देख रहे हैं उनको भी ये चीज करनी है ठीक है ऐसा नहीं की वो नहीं करेंगे क्योंकि वो जब करेंगे ऑब्वियस चीज फिर जब नेक्स्ट टूटोरियल आएगा तो उनके बारे में बात करूंगी भैया इस बंदे ने अपने इस सेशन से ज्वाइन किया है तो कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे सीन चलने वाला है तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड कॉमेंट्स तो क्या ही करना है मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो